आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, समिति के सभी सदस्य, कार्य कंशन पर बैठी बहादुर बहने, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, सबको आज जुड़कर राम राम। मेरा आज यहां पे आने का मकसद आपको किसान महापंचायत जो जींद में होने जा रही है उसका न्योता देना है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 4 तारीख को जींद में एकलव्य स्टेडियम के सामने सुबह 11 बजे सफीदे रोड पे किसान महापंचायत है, उसमें भारी से भारी संख्या के अंदर आए। टूल भी चलाना है और वोड़े भी आना है, तो बाट मिल बाट का थोड़ा थोड़ा हिसाब बना के देते बने वो बना लियो। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस किसान महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी। लगभग जुलाई के अंदर 3 काल अध्यादेश आए थे, पूरे देश में उसका विरोध हुआ, परंतु किसी किसान से बात नहीं करी, कोई राजनीतिक पार्टियों से बात नहीं करी। मोदी जी, अडानी और अंबानी के दबाव में आके उन अध्यादेशों को कानून बनाने के लिए 2 महीने बाद संसद में बिल लिया है। उस बिल का पूरा विरोध हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि किसान की मौत के वारंट पर हस्ताक्षर है, आप ऐसा ना करो, और समूची विपक्षी पार्टियों से निवेदन किया कि इसके विरोध में वोट डालना, वॉकआउट का ड्रामा मत करना, अपने घर में रहने का बीमारी का बहाना मत करना, यू हराना जरूरी है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और कानून बन जाता है तो देश के किसानों को मजदूर बनना पड़ेगा, अडानी और अंबानी का, ऐसी स्थिति से हमें बच के रहना है। कांग्रेस, और मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे कुछ साथी एब्सेंट हो गए और कुछ बीजेपी ने धक्का कर लिया वहां पे, बिना वोटिंग के वो कानून सभापति ने पास कर दिया। कानून यह है कि एक भी सांसद वोट मांगता है किसी बिल के कानून बनने से पहले, तो उसको वोट होनी चाहिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। मेरे समेत कई आदमियों ने वोट मांगी परंतु वोट नहीं करवाई सभापति ने, और उसको कानून बना हुआ घोषित कर दिया, इसलिए भी ये इलीगल कानून है। जब हमने सभापति से कहा कि आपने गलत काम किया है, हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे रहे हैं, उस अविश्वास प्रस्ताव पे भी वोट नहीं कराई और सांसदों को सस्पेंड कर दिया, पूरी रात हम संसद में धरने पर बैठे। अगले दिन सवेरे राष्ट्रपति के पास गए कि राष्ट्रपति जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस कानून पर आप दस्तखत मत करना, ये इलीगल तरीके से पास हुआ है और ये देश की 60% आबादी जो किसानी से जुड़ी हुई है, या तो किसान है या खेती करने वाले मजदूर है, ये उनके हक का नहीं है, और इससे जो मंडियों के व्यापारी हैं वो भी तबाह हो जाएंगे, तो आप इस पर हस्ताक्षर ना करें, संसद में दोबारा भेजें इस पर विचार करने के लिए। परंतु राष्ट्रपति जी ने भी किसी के दबाव में 2 दिन के अंदर उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। अब आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। सबसे पहले पंजाब के किसान आंदोलन पे चले और धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने तक सारे हिन्दुस्तान के किसान उस आंदोलन का हिस्सा बन गए और सारे हिन्दुस्तान की एकता इसके माध्यम से दिखी। सरकार ने 12 दूरवार्ता भी किए, सरकार ने 12 दूरवार्ता के किए, संसद में रुक के मारते रहे, एमएसपी थी है रहेगी, लिख के देने के लिए तैयार नहीं हुए, कानून बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, और ना इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार हुए। 12 दूरवार्ता के बाद 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा हुआ। दीप सिंधु नाम का पंजाबी गायक, बीजेपी का लीडर ने लाल किले पे तिरंगे से छेड़छाड़ की और बीजेपी ने उसका गुड वंडर बनाया
कि हिन्दुस्तान के किसान ये सारे देशद्रोह हुए और इनको इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो और अपने आप ड्रामा कराओ और किसानों का बदनाम करो, इसका घटिया सोच हो नहीं सकती। 26 जनवरी को आंदोलन को कुचलने की सरकार ने पूरी तैयारी करी, आज जैसे फालतू किसानों को घर का रास्ता दिखा दिया। देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करो, ट्रैक्टर जब्त कर लिए, लोगों को जेल में बंद कर दिया। रात को एक साहब का अरविंद केजरीवाल जी के पास फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, पानी काट दिया, बिजली काट दी, बीजेपी के नेताओं के अगुवाई में पत्थर बसाया जा रहा है किसानों के ऊपर। तो अरविंद जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, पानी में दिल्ली वाला भेज रहा हूँ, बिजली का प्रबंध मैं हासिल कर रहा हूँ, मैं सारे अखबार में टीवी वाले भेज के खुद अपने मंत्री भेज रहा हूँ, कैसे पत्थर मारेंगे हम देखेंगे। जब वो टीवी वाले अरविंद ने भेजो तो किसान नेता टिकेत जी के आंसू सारे हिन्दुस्तान ने देखे और सारे किसानों ने एक बार फिर शक्ति के साथ दोबारा दो रूपये जुड़े और उस किसान आंदोलन को और लोगों को प्रदान की और उसके अंदर सबसे प्रथम स्थान जिला जींद ने लिया, इसलिए जींद वालों को मैं मुबारकबाद दे रहा हूं। 26 जनवरी का आंदोलन तो दोबारा टिक गया, सरकार का षड्यंत्र तो फैल हो गया, परंतु 26 जनवरी से लेके आज 2 अप्रैल आ गया, सरकार ने बात करनी बंद कर दी, नकार दिया, जैसे इनको छुआछात की बीमारी है। भाई ये देश का हिस्सा नहीं है, इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। 3 डिग्री के टेम्परेचर में किसान बैठे रहे, बरसात के अंदर किसान बैठे रहे, अब 40 डिग्री का टेम्परेचर और अगले महीने 50 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा, उसमें पिटन की जारी है। 350 किसान शहादत हो चुके हैं और कितनी शहादत थी उस मोदी ने समझ में नहीं आ रही, न इनके प्रति कोई संवेदना रखता है और न बात करने के लिए तैयार है। इस किसान महापंचायत को इसलिए बुलाया गया है कि सूत्र सरकार को चला है, इतनी तेज आवाज तीन से उतनी है कि मोदी और मोदी के सारे मुखिया के काम में भर भर गए। वो आवाज लेकर किसानों की सोचो, इन कार्यकारों को उल्टा लो और किसानों के मुकदमे खत्म करो और MSP लागू करो, ये बात वहां पे करनी है। अरे अरविंद केजरीवाल किसानों की आवाज के अंदर आवाज मिला के बोलने के लिए जींद में आ रहा है। मैं एक बार हाथ जोड़ के आपको दोबारा नेता दे रहा हूँ, आपने जींद में जरूर पहुंच रहा है। जयराम जी की।